क्वेश्चन है, ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ रहा है। इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड थी और फाइनली ये स्टॉप हो गया। स्टॉप होने का मतलब ये रुक गया। फ्रिक्शन प्रेजेंट थी। म्यू की वैल्यू इसके अंदर क्या हो ताकि ये बॉडी टाइम 10 सेकंड में रुक जाए, ये क्वेश्चन है। तो म्यू, क्योंकि रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन रोकेगा और फ्रिक्शन में म्यू क्या हो? ऑब्वियसली काइनेटिक, स्टैटिक तो हो नहीं सकता ना, रुक रहा है, चल रहा है, बॉडी स्लाइड कर रही है, तो अंडरस्टूड है। म्यू पूछ रहा हूँ तो कौन सा होगा? काइनेटिक ही होगा, ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसमें बार बार म्यू के लगाऊँ इसकी भी जरूरत नहीं है, पता ही है म्यू इसमें काइनेटिक ही है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन है। तो आप मुझे ये बताओ, इसको किसने रोका? और ये बॉडी का जो मास है वो 10 kg है, इसको किसने रोका? फ्रिक्शन ने रोका। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, पर ये बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें एक्सेलरेटिंग फोर्स है कि रिटार्डिंग फोर्स है? रिटार्डिंग फोर्स है, इसको रोक रहा है। और जब फोर्स रिटार्डिंग होती है तो हम हमेशा साइन क्या पुट करते हैं? माइनस। तो माइनस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? 10 g। तो इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 10 g। तो म्यू टाइम्स 10 g इज 10 into a। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसल, तो यहाँ से एक्सेलरेशन मीन रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई माइनस म्यू इंटू जी। सही है यहाँ पर, और रिटार्डेशन ही आनी चाहिए। अगर फोर्स एक्सेलरेटिंग है तो हम पॉजिटिव पुट कर देंगे, रिटार्डिंग है तो नेगेटिव पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसको रोकना है और हमें क्या निकालना है, इसमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हम अप्लाई करते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी का मतलब 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन माइनस म्यू इंटू जी इंटू टाइम की जगह 10। तो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस म्यू निकालना है, 10 into 10 कितना? 0.10। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यही आ रहा है आंसर, तो आंसर आ जाएगा। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने इसमें।